सब्सक्राइब कीजिए Arrive24 News को और नोटिफिकेशन के लिए घंटी जरूर दबाएं सबसे पहले हमारी वीडियो को देखने के लिए। आपको बता दें कि इस मुस्लिम महिला का नाम माही तलत सिद्दीकी है और इन्होंने रामायण को लिखने में करीब 1.5 साल से ज्यादा का वक्त लगाया है। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ मैं हिमांशु उपाध्याय, Arrive24 News, दिल्ली। एक मुस्लिम महिला ने हिंदू मुस्लिम सौहार्द का एक बड़ा उदाहरण कायम किया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक मुस्लिम महिला ने हिंदुओं के प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ रामायण को उर्दू में ट्रांसलेट किया है। इसके साथ ही इस महिला ने देश की गंगा जमुना तहजीब का परिचय देते हुए सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारे की अनूठी मिसाल पेश की है। ये मिसाल पेश की है कानपुर के प्रेमनगर इलाके की निवासी डॉक्टर माही तलत सिद्दीकी ने। उर्दू रामायण की रचना करने के पीछे माही तलत सिद्दीकी का मकसद है कि हिंदू समुदाय के अलावा मुस्लिम समुदाय को भी रामायण की अच्छी बातों के बारे में पता चले। डॉक्टर माही तलत सिद्दीकी ने बताया कि रामायण को उर्दू में लिखने के बाद उन्हें आराम और शांति का एहसास हो रहा है। उर्दू रामायण की रचना करने में डॉक्टर माही तलत सिद्दीकी को 1.5 साल से ज्यादा का वक्त लगा। डॉक्टर माही तलक सिद्दीकी ने बताया है कि हिंदी से उर्दू अनुवाद के दौरान उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि कहीं से भी रामायण में मौजूदा हिंदी भाषा वाले के शब्दों के भावार्थ से छेड़छाड़ ना हो। हिंदी साहित्य में एमए की डिग्री रखने वाली डॉक्टर माही के अनुसार वो आगे भी अपनी लेखनी से गंगा जमुना तहजीब को आगे बढ़ाने का काम करती रहेंगी। एक और जहां देश के तमाम लोग धार्मिक कट्टरता पर सियासत करते हैं, वहीं कानपुर की एक मुस्लिम महिला ने रामायण को उर्दू में लिखकर एक मिसाल पेश की है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Arrive24 News, पहचान सच्चाई की। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले, हम आपको ऐसे ही तमाम खबरों की अपडेट्स देते रहेंगे।